सीबीआई लालू जी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यूपीए में जब सरकार में थे तब भी तोता बताया गया था, उनको जेल जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। भ्रष्टाचार में जो लिप्त होगा उनको जेल जाना ही पड़ेगा। ललन जी उस पार्टी में है क्या भाई, केयर टेकर था? एनबीसी तो नीतीश कुमार जी पार्टी को तय करते हैं कि कौन एनबीसी, वो तो कभी इधर बनाएंगे कभी उधर बनाएंगे, उनको तय करना है। हम लोग पूरी तरह लालू प्रसाद जी से और नीतीश कुमार जी से लड़ने के लिए तैयार हैं, जिस रूप में आए लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, में हूं आपके साथ असलम अब्बास। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से लालू परिवार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो लोग आज सीबीआई को तोता बोल रहे हैं वही लोग यूपीए की सरकार में सीबीआई के बारे में कौन कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते थे, किस तरीके से सीबीआई पर आरोप लगाते थे, आज भला क्या सीबीआई के साथ हमारी सरकार या भाजपा सरकार कुछ नया तो कर नहीं रही है? सीबीआई आज भी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, बशर्ते कि सीबीआई यूपीए की सरकार में ही तोता बनी हुई थी। जिस तरीके से लालू यादव और दूसरे सहयोगियों ने सीबीआई पर आरोप लगाया था, इसके अलावा क्या कुछ सम्राट चौधरी बोल रहे हैं लालू परिवार को लेकर, जरा वो सुनिए आप। सीबीआई लालू जी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यूपीए में जब सरकार में थे तब भी तोता बताया गया था। देखिए ये लोग जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को यही लगेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। भ्रष्टाचार में जो लिप्त होगा उनको जेल जाना ही पड़ेगा। जेडीयू में कुछ खेल चल रहा है क्या? जेडीयू के अंदर कुछ खेल चल रहा है क्या? देखिए हम लोगों का स्पष्ट मानना है, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी से दोनों से लड़ेगी और दोनों को 2024 में हराने का काम। ललन जी उस पार्टी में है क्या भाई, केयर टेकर था? तो नीतीश कुमार जी पार्टी को तय करते हैं कि कौन एनबीसी, वो तो कभी इधर बनाएंगे कभी उधर बनाएंगे, उनको तय करना है। और जहाँ तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, हम लोग पूरी तरह लालू प्रसाद जी से और नीतीश कुमार जी से लड़ने के लिए तैयार हैं, जिस रूप में आए लड़ेंगे। तो अभी आपने सम्राट चौधरी को सुना है किस तरीके से वो बोल रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2024 में भाजपा राजद के साथ साथ जदयू से भी लड़ने को पूरी तरीके से तैयार है और 2024 में भारी बहुमत के साथ सरकार भी बनेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम लोग तमाम लोग राजद और जदयू के खिलाफ पूरे मजबूती के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और 24 के साथ साथ 2025 में भी सरकार बनाने का काम करेंगे। जनता तो अभी से ही इनको दरकिनार कर चुकी है, लेकिन असली परीक्षा और असली घड़ी 2024 और 25 में आना बाकी है। आपने खुद सुना है किस तरीके से सम्राट चौधरी बोल रहे थे। आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट ग्रुप में हमें जरूर पहुंचाइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आपका धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।